गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी लोबुचे में रुके हुए हैं, तो रात को मैं आपको रूम नहीं दिखा पाया था। रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, ठंड वैसे अभी भी बहुत है। हमारी जो पानी की बोतल भी रखी थी उस तक में बर्फ़ जम गई अभी यहाँ पर रखे हुए। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा है जिसमें हम रुके हुए थे। तो ये रूम देख सकते हो भैया, वैसा है। सामने यहाँ पर एक डबल बेड है इस रूम के अंदर, और इस साइड यहाँ पर एक सिंगल बेड भी है इस रूम में। सामने एक टेबल है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, एक लाइट थी इसके अंदर। बाहर विंडो है, लेकिन विंडो पर आप देख ही सकते हो, उस पर भी शीशे पर बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है, तो उसको खोलना ठीक नहीं है। तो हाय फ्रॉम नेपाल। जहाँ लॉज में हम रुके हैं वहाँ के ओनर हैं और काफ़ी अच्छे हैं। ओह थैंक यू, आपका लॉज भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। ओके, क्या नाम है? अबव द क्लाउड लॉज, अबव द क्लाउड लॉज एंड रेस्टोरेंट। सो हम इसको रेकमेंड करेंगे, काफ़ी अच्छा है और यहाँ के जो ऑनर हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, रुक सकते हैं एंड खाना वगैरह सब इन्जॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो फिर चलते हैं, आज का हम ट्रैक अपना कंटिन्यू करते हैं यहाँ से पहले गोरखशेप के लिए। बताए भाई, मैं आपको लॉज दिखा देता हूँ यहाँ से। सामने आप देख सकते हैं अबव द क्लाउड लॉज एंड रेस्टोरेंट लोबुचे। तो अगर आप आते हैं लोबुचे तो मैं रेकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ आ सकते हैं। रुकने के लिए जगह अच्छी है, इवन उन्होंने हमें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स भी दिए ताकि रात को ठंड ना लगे। खाना भी काफ़ी अच्छा था और वाईफाई फैसिलिटी भी यहाँ पर थी। और सबसे अच्छी चीज़ अगर आकर कोई इंसान हमसे काफ़ी अच्छे से बात करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो ओनर हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप लोबुचे आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर एक रात का या जितना भी आप रुकना चाहते हैं उतना भी स्टे ले सकते हैं। तो चलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी जमी हुई है, और साथ ही ये जो ऊपर पाइप्स हैं उनमें भी आप देखिए पानी बिल्कुल उनमें से गिरता हुआ ही जम गया है। तो इतनी ज़्यादा ठंडा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस जगह की अगर मैं बात करूं, कल रात को जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने एवरेस्ट लिंक का कार्ड लिया था, तो हमने उससे टेम्परेचर चेक किया था। तो जब हम शाम को यहाँ पर थे, लगभग 4:30-5 बज रहे थे, तब भी टेम्परेचर -9 था यहाँ पर। तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर प्लस में टेम्परेचर रहेगा, ये नवंबर का टाइम है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर आइए। तो अभी हम लोग ट्रैक करते हुए कुछ दूर आगे की तरफ आए थे, हमें यहाँ पर एक भैया मिले हैं जो पाकिस्तान से हैं, लाहौर से। हैदर, लाहौर से। हैदर से, आपका नाम? हैदर, सैयद मोहम्मद हैदर। ओके, सो आपका पहली बार आप ट्रैक कर रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम इन लाइफ। अच्छा, इससे पहले तो कभी मैंने ना कोई स्पोर्ट, कोई एक्सरसाइज, जॉगिंग, इवन वॉक तक कभी नहीं की। अच्छा अच्छा, सारा टाइम ऑफिस में ही गुजरा है। अच्छा, और उसके बाद अगर फर्स्ट ट्रैक का इरादा किया भी है तो वो एवरेस्ट। तो अब तो तकरीबन पहुंच गए, एक दिन रह गया बस, शाम तक आप एवरेस्ट पर होंगे? नहीं, शाम मेरा इरादा तो गोरखशेप में रुकने का है। अच्छा अच्छा, सुबह जाऊंगा। अच्छा अच्छा, वहाँ तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका? अभी तक तो बहुत ओवरऑल अच्छा है, बस ये कि व्लॉग्स पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बेतुके व्लॉग बना देंगे, यानी जस्ट टू मेक अ व्लॉग। तो अगर वो उस पर बताते हैं कि खटमंडू आके कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं वो ज्वाइन करता, पोर्टर मिलता, गाइड मिलता, होटल अरेंज हुआ होता, खाना अरेंज हुआ होता। अब मैं अपना सामान खुद कैरी कर रहा हूँ, अकेले तो वो उठा के लुकला से यहाँ आना, आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हम भी एक्चुअली इतने सामान के साथ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जी जी जी,
मैं थोड़ा थोड़ा सामान तो दो जगह छोड़ के आया हूँ, नामचे में और एक और जगह। आप लोग भी हम लोगों ने भी छोड़ा है वो फिर अच्छा ये रहने दो आपका है ना, हमने भी दो जगह छोड़ा सामान। और वो सामान जो खटमंडू में हमें जरूरी लग रहा था, यहाँ जब वो वजन उठाना पड़ा इतना टाइम लगा, ऊपर चढ़ना पड़ा, तो लगा ये छोड़ दो, इसकी भी जरूरत नहीं है, वो गैर जरूरी लगने लगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से छोड़ा है। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया, हम घर से काफी सामान लेकर आए थे कि सब ये काम का है, फिर आते आते हमें लगा नहीं इसे नहीं उठा सकते, इसे छोड़ देना अच्छा, चाहिए। एक गजल जो हमेशा बहुत अच्छी लगती थी गजल? लेकिन इस ट्रैक पे इंतहाई बुरी लग रही थी वो बजती हुई, कौन सी हो सकती है वाला गजल? एक गजल इंतहाई जबरदस्त इंडियन, अच्छा, और वो इंतहाई बुरी लग रही थी यहाँ बजती हुई। अच्छा, तो वो था, मेरा कोई सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा वो सामान लौटा दो। भाई हम अपना सामान नहीं था, नहीं चाहिए। सही बात है। वो सुन के बुरा लग रहा था, ये उठाना मुश्किल है और सामान लौटा दो। सही बात है कि ये नहीं उठ रहा, वो और कौन ले जाएगा। हाँ, किसी ने वो चला रखी थी जी जी। तो वो गजल भी बुरी लग रही थी भाई, ले जाए इसे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सेम हियर यार, थैंक यू। और बस ऐसे ही रास्ते में मिलते रहे हैं लोग। ओके, बाय बाय बाय। भाई अभी हम लोग कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। लोबूचे से अगर रास्ते की बात करूँ तो रास्ता तो ऐसा ही है, पत्थरों के बीच में चलना है, लेकिन हाँ बस ये है कि अभी तक कहीं पर कोई चढ़ाई नहीं है चढ़ने के लिए, लेकिन अभी हम रेस्ट के लिए इसीलिए रुके हैं। वहाँ सामने आप देख सकते हैं लगभग इतना चलते हुए भी जाना है, फिर वो वाले पहाड़ पर ऊपर पूरे पहाड़ को चढ़कर उसे क्रॉस करना है, तो उस पर चढ़ाई पर चढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए सोचा कुछ देर के लिए पहले यहाँ पर रुक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो क्या खा रहे हैं पापा जी? अभी थोड़े से नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, तो आगे चढ़ाई दिख रही है, बहुत ऊँची चढ़ाई है, चढ़नी है वो, तो सोचा थोड़ा सा खा करके शरीर को थोड़ी सी एनर्जी दी जाए, और एनर्जी शरीर को दे करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो भाई अभी नीचे से जो आपको एक रास्ता दिखाया था मैंने, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, उसको कवर करके अभी हम ऊपर आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पर। लेकिन अगर कल के मुकाबले में बात करूं, जब हम लोग लोबूचे के लिए आ रहे थे तो जो वहां पर चढ़ाई थी उसके मुकाबले काफ़ी छोटी थी, लेकिन हाँ क्योंकि बहुत खड़ी थी तो चढ़ने में इस पर काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पर कम है, तो इसीलिए काफ़ी दिक्कत हुई ऊपर तक आने में। लेकिन हाँ फाइनली अभी हम लोग आ गए ऊपर। पापा जी कैसा था? जो ये स्ट्रेस था जैसा आपने बताया छोटा था, लेकिन बहुत मुश्किल था, और रास्ते के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, और रेत थी, मिट्टी थी, और पैर भी स्लिप हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक एक पैर पूरा बहुत सावधानी से रख के ऊपर तक आए हैं, और अब यहाँ 5 मिनट रेस्ट करके फिर अब आगे गोरखशिप के लिए हम निकलेंगे। इतने में आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ जिस पर अभी चढ़ते हुए आए ऊपर, क्योंकि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी, तो इसीलिए रास्ते में कैमरा नहीं निकाला मैंने, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी तो धीरे धीरे आना था। लेकिन हाँ मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ रास्ता, सामने देख सकते हैं काफ़ी लोगों को आप देखेंगे, लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और ये ट्रैक हमने जो आप वहाँ दूर तक देख पा रहे हैं उससे भी काफ़ी पीछे से स्टार्ट किया था लोबूचे से, वहाँ से रास्ता ऐसा ही था घाटी में, लेकिन उसके आगे जो खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल वो बहुत
थकाने वाली, बहुत ख़तरनाक सी थी। आप रास्ता देख सकते हैं, रास्ते के नाम पर कुछ नहीं है। बस ऐसे ही जस्ट पहाड़ चढ़ते हुए ऊपर तक आना है, तो फिर कुछ देर रुकते हैं यहाँ पर, उसके बाद चलते हैं। राकेश भाई भी अभी यहीं पर हैं, अब बताना चाहेंगे कैसा था। लिटिल डिफिकल्ट बट वी नीड टू रीच EBC टुडे, राइट, बट नेवर बुक पैकेजेस, हाँ, दे डोंट इवन प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा ठीक लगे, राइट। तो अभी हम भी कुछ देर रेस्ट करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। कुछ दूर ट्रैक करते हुए आगे आ गए, रास्ता दिखाता हूँ आपको कि कितना बढ़िया रास्ता है, मिल रहा है देखने के लिए, आप देख सकते हैं। देख ही सकते हैं, सिवाय मोटे मोटे पत्थरों के तो कुछ नहीं है रास्ते पर। ऐसा भी नहीं है कि कोई आइडिया हो जाए रास्ता यहीं से है, बस थोड़ा अंदाजे से जाना है लोगों को देखते हुए और थोड़ा थोड़ा रास्ते को देखते हुए। भाई अभी कुछ दूर और ट्रैक करते हुए हम आगे आए, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, लेकिन ये है कि दिखे बस नीचे सिर्फ रेत और मिट्टी दिखाई दे रही है, बहुत गहरी खाई है, या फिर पहाड़ों पर ऊंचाई पर बर्फ है। इधर से चलते हुए आए हम और इधर जाना है, नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा काफ़ी गहरी खाई है यहाँ पर और नीचे जो छोटी छोटी लेक बन गई है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है वो भी बिल्कुल जमा हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, वहाँ भी देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, अभी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो कुछ ऐसा है, बिल्कुल पत्थरों के अंदर चलते हुए जाना है। और अभी गाइड से पता किया था उन्होंने, मतलब रास्ते में जो और किसी के गाइड होंगे उनसे हमने पता किया, तो उन्होंने बताया कि वो जो सामने आप मिट्टी देख रहे हैं उसके पीछे ही गोरखशेप है, और जो सामने बिल्कुल बड़ा वाला पहाड़ है वो काला पत्थर है, और इस साइड जो ये वाला पहाड़ आप देख रहे हैं वो माउंट एवरेस्ट है, और ये रास्ता है पीछे जाने का। राकेश भाई कैसा लग रहा माउंट एवरेस्ट देखकर? बहुत अच्छा वो वाला, वो फील्स लाइक हेवन हियर बट इट्स डिफिकल्ट टू रीच हियर, राइट, लिटिल डिफिकल्ट बट यू कैन रीच, राइट राइट। तो चलो भाई अभी हम भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर थोड़ा जल्दी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचेंगे तो, क्योंकि तो शाम को अगर बादल आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए अभी गोरखशेप चलते हैं।
भाई काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ख़राब रास्तों में चलने के बाद, कहीं पर चढ़ाई थी, कहीं पर प्लेन था, और इतनी ज़्यादा मिट्टी थी रास्ते में, मतलब अभी भी है, अगर इससे कवर ना करें तो सारी मिट्टी लंग्स के अंदर जाएगी और आप बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन फाइनली 4 घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग गोरखक्षेप पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सामने से फर्स्ट व्यू गोरखक्षेप का, वो सामने आप देख सकते हैं गोरखक्षेप बिल्कुल काला पत्थर के नीचे। दिस वन, और वहाँ पर आप सामने देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, ये वाला, ये लोप्से, ये लोप्से, और नीचे पूरा खुम्बू ग्लेशियर आप देखेंगे आगे तक। भाई फाइनली पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत देर हो गई चलते हुए, सांस लेने की भी काफ़ी दिक्कत है क्योंकि काफ़ी हाइट पर आ गए हम, लगभग 5100 मीटर की हाइट है जहाँ पर अभी हम हैं, तो काफ़ी दिक्कत है सांस लेने की भी, लेकिन फाइनली पहुंच गए हैं। तो पापा जी कैसा लग रहा है यहाँ से गोरखक्षेप देखकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारा डेस्टिनेशन था जिसके लिए हमें करीब 31 तारीख को हम घर से निकले हुए हैं, और आज मुझे मालूम भी नहीं कितनी तारीख हो गई है। फाइनली हम गोरखक्षेप पहुंच गए हैं, और यहाँ से EBC ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, तो वहाँ से EBC जाएंगे, और उसके बाद काला पत्थर से। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो अभी नीचे चलेंगे। पहुँच गए फाइनली रीच्ड गोरखक्षेप। हेलो, यस यस। आप भी इंडिया से हैं? हाँ जी बिल्कुल इंडिया से हैं। आपका नाम? श्रुति। श्रुति, ओके। सो कैसा लग रहा है आपको आकर अभी यहाँ पर? वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस एंड कम्प्लीटली वर्थ इट। जो कर सकते हैं उनको जरूर करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सामने आप देख सकते हैं गोरखक्षेप दिखाई दे रहा है। यस, फाइनली वी आर हियर। तो चलते हैं। चलिए। तो भाई हम लोगों ने अपना रूम ले लिया है गोरखक्षेप में। यहाँ का डाइनिंग दिखाता हूँ मैं आपको, लंच हमने कर लिया, बस अभी चलेंगे आगे के लिए। यहाँ पर ये किचन है अंदर जहाँ पर खाना बनता है, और बाकी ये सामने पूरा एरिया है जो डाइनिंग का है यहाँ पर, और ये सिर्फ आधा है, आधा इसके उधर एक और भी है, वहाँ पर भी डाइनिंग है, बैठने की जगह है।